सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जैकलिन फर्नांडिस को अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस सोमवार को पटियाला कोर्ट में पेश हुई। दरअसल जैकलिन को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने समन किया था। इसके बाद एक्ट्रेस के वकीलों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की थी और अब कोर्ट ने एक्ट्रेस को अंतरिम जमानत दे दी है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले में जैकलिन से पूछताछ की थी। अभिनेत्री के अलावा शाखा ने पिंकी ईरानी को भी समन किया था। बता दें कि पिंकी ईरानी ने जैकलिन से सुरेश की बात कराने में मदद की थी। वहीं जब से जैकलिन का महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ कनेक्शन सामने आया है, तब से वो कानूनी पचड़े में फंसी हुई है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने एक्ट्रेस को 215 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में आरोपी बताया। इसी कड़ी में ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ 215 करोड़ की महाठगी के मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। जैकलिन पर आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने उनको करीब 7 करोड़ रुपए की ज्वेलरी गिफ्ट की थी। इसके अलावा लगभग 9-9 लाख रुपए की 3 पर्शियन बिल्लियां, करीब 52 लाख रुपए का 1 अरबी घोड़ा, कानों में पहनने वाली 15 जोड़ी बालियां, डायमंड की सेट, बेशकीमती क्रॉकरी, गुच्ची और शनैल जैसे महंगे ब्रांड्स के डिजाइनर बैग, जिम में पहनने के लिए गुच्ची के 2 आउटफिट्स, लुई विटों के कई जोड़ी जूते, हमीज के 2 ब्रेसलेट, एक मिनी कूपर कार, रोलेक्स की महंगी घड़ियां भी गिफ्ट की थी, जिसे लेकर उनसे पूछताछ जारी थी। हालांकि इस मामले में जैकलिन फर्नांडिस को राहत तो मिल गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वो महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ अपने रिश्तों पर मुखर होती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।